वाह, क्या बात है, आज तो घर का सारा काम हो गया है, सफाई भी हो गई, खाना भी बन गया। लगता है मेरी बहू अब समझदार हो गई है। हाँ जी मम्मी जी। क्या हाँ जी, अरे मेहनत करी है हमने और समझदार ना हम पहले से ही थे। आपको पता है घर में कितने काम होते हैं? आपको पता है मम्मी जी, हम जब अपने मायके जाते हैं ना तो हमारी बहुत खातिरदारी होती है। यहाँ पे आपने तो हमें परेशान करके रख दिया है। आप जल्दी से प्रॉपर्टी हमारे नाम क्यों नहीं कर देते? इतनी भी क्या जल्दी है, प्रॉपर्टी कर देंगे तुम्हारे नाम, पहले बाकी की शर्तें तो पूरी कर लो। शर्तें? फिर से? मम्मी जी हम पहले से ही बहुत सारा काम कर चुके हैं, अब कोई काम नहीं होगा हमसे। दीदी ये क्या तरीका है मम्मी जी से बात करने का? रहने दे बहू, इनको ऐसे समझ नहीं आएगा। सब समझ आता है मम्मी जी, आपको पता है अगर हम यही काम बाहर करते ना तो हमें कितने पैसे मिलते। अब अपने घर में काम करने के लिए तुम ऐसे बोलोगी? घर भी तो तुम्हारा है तो काम भी तुम ही करोगे। देखिए मम्मी जी बहुत हो गया है आपका, अब बस प्रॉपर्टी हमारे नाम कर दीजिए। आप कर देंगे प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम, पहले शर्तें पूरी करो। ठीक है, बताइए आपकी क्या शर्तें हैं, जल्दी से ड्रामा खत्म हो और प्रॉपर्टी हमारे नाम हो जाए। मम्मी जी आप ये सब छोड़िए, आप प्लीज खाना खा लीजिए। हाँ बेटा खाना भी खा लूंगी, पहले ये बैंक से 4 लाख रुपए लेके आई हूँ, इसको संभाल के रख दो। ठीक है। और हाँ तुम दोनों को शर्तें ना मैं कल बताती हूँ। देखा यीशु मम्मी जी ने क्या कहा, 4 लाख रुपए। अरे हाँ यार, लेकिन 4 लाख रुपए तो उस मोटी के पास है, इसमें हमारा क्या फायदा? अरे यही तो अच्छी बात है, मम्मी जी ने उस मोटी को 4 लाख रुपए दिए, हम उससे चुरा लेंगे। हाँ यार आइडिया तो बहुत अच्छा है, और उस मोटी को ना पता भी नहीं चलेगा, हमारे पास 4 लाख भी आ जाएंगे और मोटी घर से बाहर भी हो जाएगी। चल मम्मी जी, अगर आज आपने प्रॉपर्टी हमारे नाम नहीं की ना तो फिर देखना आप। हाँ मम्मी जी, आप ना बहुत दिनों से ये सब ऐसे ही टाल रहे हो, आज आप फाइनल कर ही दो ताकि हम दूसरी जगह शिफ्ट कर सके। चलो आज मैं फाइनल कर ही देती हूँ। छोटी बहू मैंने जो तुम्हें बैग दिया था रखने के लिए वो लेके आओ। ये लीजिए मम्मी जी। लेकिन इसमें तो पैसे है ही नहीं। देखा मम्मी जी, आपके सारे पैसे ना इस मोटी ने चुरा लिए। हाँ मम्मी जी, आज ना इसे आप घर से निकाल दीजिए, आपने इसी को पैसे रखने के लिए दिए थे ना, इसी ने चोरी किए होंगे। नहीं मम्मी जी, मैंने कुछ पैसे नहीं लिए। बस कर मोटी, और कितना झूठ बोलेगी। बस चुप हो जाओ तुम सब, मुझे सब पता है किसने चोरी की है। किसने मम्मी जी? छोटी बहू जाओ 3 गिलास पानी लेकर आओ। अब ये एक क्या नाटक है मम्मी जी? देखो अभी क्या होता है। रिद्धि बहू 1 गिलास तुम आगे लो और उसमें हाथ डालो। तुम भी। मम्मी जी अब ये क्या काला जादू है? ये कोई काला जादू नहीं है, ये सच्चाई है। कैसी सच्चाई मम्मी जी? ये सच्चाई कि तुम लोगों ने चोरी की है। नहीं मम्मी जी, हम क्यों चुराएंगे? अच्छा अब तुम दोनों सच सच बताओगे या मैं पुलिस को कॉल करूं? देख लो फिर तुम दोनों की कितनी बदनामी होगी। नहीं नहीं मम्मी जी, पुलिस को कॉल मत करिए, पैसे हम नहीं चुराए थे। बट आपको कैसे पता लगा? ये सब तुम्हें ना मेरा बेटा बताएगा। प्रिंस ये सब क्या है? ये सब मैंने और मम्मी ने मिलके किया था चोरों को पकड़ने के लिए। पता है क्यों? क्योंकि मम्मी ने मुझे बताया कि तुम दोनों प्रॉपर्टी में बंटवारा चाहते हो और कहीं और जाके रहना चाहते हो। यीशु तुमने सोच भी कैसे लिया कि मैं अपनी माँ को छोड़ के कहीं और रहने जाऊँगा तुम्हारे साथ? और भाभी आपसे मुझे ये उम्मीद नहीं थी। और अब मैं आप दोनों को बताता हूँ, मम्मी ने जो बैग दिया था उसमें केमिकल वाले नोट थे, क्योंकि आप लोगों ने वो केमिकल वाले पैसे चुराए तो इसलिए आप लोगों के हाथ में केमिकल लग गया। जब मम्मी ने आप लोगों को कहा कि पानी में हाथ डालो और पानी में हाथ डालते ही पानी का रंग चेंज हो गया, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप दोनों ने चोरी की है। आप लोगों को पता है मम्मी ने हमारे लिए बहुत कुछ किया है। क्या अब मैं जान सकता हूँ कि आप लोगों ने चोरी क्यों की? क्योंकि जो आपने पैसे चुराए ना उस पर आप दोनों का भी अधिकार था। और मम्मी ने मेरे को बताया कि आप लोग प्रॉपर्टी का हिस्सा भी चाहते हो। आप लोगों को पता है
अगर प्रॉपर्टी का हिस्सा हो जाता है तो हमारी कोई वैल्यू नहीं रहेगी, लोग हमें समाज में बुरी नज़र से देखेंगे। भैया प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए मम्मी जी, एक्चुअली सारी गलती मेरी है, आइंदा ये सब कभी नहीं होगा, प्लीज़ माफ़ कर दीजिए। सॉरी प्रिंस, ये सब हमने लालच में आके कर दिया था, हम वादा करते आगे से ऐसी गलती कभी नहीं करेंगे। माफ़ कर दूँ ईशु, तुम सबसे बड़ी बहू हो इस घर में, तुम्हें इन्हें संभालना चाहिए, एक अच्छा रास्ता दिखाना चाहिए, लेकिन तुमने क्या किया, तुमने कुछ पैसों के लालच में भाभी को भी बुरा बना दिया। शायद मैं तो माफ़ कर दूँ, लेकिन मैं ये डिसीजन माँ के ऊपर छोड़ता हूँ। मम्मी जी प्लीज़ हमें माफ़ कर दीजिए, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अब मम्मी बताएगी कि आपको क्या सजा मिलनी चाहिए, मम्मी जो आप सजा दोगी इन्हें माननी पड़ेगी। बेटा इनको ना अपने परिवार से अलग रहने का बहुत शौक है, तो कुछ ऐसा करो कि ये परिवार से अलग ही रहें, यही सही सजा है इनके लिए। इन लोगों को परिवार का मतलब नहीं पता, तो इन्हें परिवार का मतलब बताना बहुत ज़रूरी है। तो आज से आप अपने मायके रहोगे, जब तक आप लोगों को परिवार का मतलब नहीं पता चल जाता, क्योंकि आपके माँ बाप को भी तो पता चलना चाहिए कि आपने गलती क्या की है। जाइए।